जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना है मास्टर के बारे में। देखिए, सबसे पहले मास्टर के बारे में समझना है कि मास्टर का मतलब होता क्या है। पिछली क्लास में मैंने आपको केवल कंपनी क्रिएट करना बताया था ना, आज की क्लास में आपको मास्टर के बारे में समझना है कि जैसे कंप्यूटर में जैसे हम मास्टर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, मास्टर वगैरह कैसे सिलेक्शन करते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है मास्टर के बारे में, कह रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं और ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। इनका प्रयोग अकाउंटिंग बाउचर में क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, कह रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। कंटेनर के बारे में पता है ना, एक प्रकार का पात्र होता है। और कह रहा है कि ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो उनका प्रयोग हमको बार बार करके देखना होता है। और कह रहा है कि अकाउंटिंग बाउचर क्रिएट करने में रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में अगर आपसे मास्टर के बारे में पूछा जाएगा तो आप मास्टर के बारे में क्या बता सकते हैं कि अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं तो उनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। और इसमें अकाउंटिंग बाउचर में क्रिएट करने में और प्लस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इस मास्टर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें लिखा है कितने प्रकार के मास्टर होते हैं, तो अकाउंटिंग मास्टर होता है, इन्वेंटरी मास्टर होता है, पेरोल मास्टर होता है और स्टेटरी मास्टर होता है। ये चार प्रकार के मास्टर पाए जाते हैं किसमें, अकाउंटिंग। अब देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे कि अकाउंटिंग मास्टर का मतलब होता क्या है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत ग्रुप आता है, लेजर आता है, करेंसी आता है, बाउचर टाइप आता है। और इन्वेंटरी के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप आता है, स्टॉक कैटेगरी आता है, स्टॉक आइटम आता है, यूनिट आता है, गोडाउन आता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर के बारे में हम समझते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत अकाउंट्स ग्रुप लेजर बाउचर टाइप इत्यादि को रखा गया। किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत। इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत अकाउंट को रखा गया है, प्लस बाउचर को रखा गया है, प्लस लेजर को रखा गया है, प्लस ग्रुप को रखा गया है। ये सब अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे देखने को मिलेगा, तो चलिए प्रैक्टिकली हम बताते चल रहे हैं आपको। यहां से सबसे पहले आप कंपनी ओपन कर लीजिएगा। मैंने कंपनी ओपन करना बताया था ना। एजुकेशनल मोड वाले सर्च करेंगे यहाँ से, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा ही कंपनी खुला हुआ है। इसकी जांच करने के लिए कंपनी पे आइएगा और यहाँ से सर्ट कंपनी पे क्लिक करके पहले इसको बंद कर दीजिए। चलिए, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाते हैं। एंटर मैंने किया, डी ड्राइव में आ जाते हैं। और यहाँ हमारी कंपनी बनी थी किस नाम से, टाइम मैंने दिया था ना 2 PM। अब यहाँ से कंपनी को हम सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यही है ना, इसको हम ओपन कर लेंगे। हमारी कंपनी यहाँ से ओपन है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए, इसमें बताया जा रहा है मास्टर के बारे में, यानी कि लिस्ट ऑफ मास्टर में अगर हम जाते हैं तो अकाउंटिंग मास्टर में आपको लेजर मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, करेंसी वाउचर टाइप वगैरह सब आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है। देखिए, जैसे ही आप बैक स्पेस हम दबाते हैं यहाँ पे, जैसे ही अल्टर पे आप क्लिक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर पे आकर के, तो देखिए वही ऑप्शन आया ना जो टैली के बुक में दिया हुआ है। ये क्या है आपका, अकाउंटिंग मास्टर पे ग्रुप मिल गया और प्लस लेजर मिला, प्लस यहाँ पे करेंसी है, प्लस आपका क्या है, बाउचर। ये हमारा अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत इतना ऑप्शन आता है। और इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत आता है आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन। और वही स्टेटरी डिटेल्स के अंतर्गत जीएसटी डिटेल्स आता है, पैन, सीआईएन डिटेल्स आता है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले ग्रुप। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर ग्रुप, अगर मास्टर में हम ग्रुप के बारे में बात करें तो ग्रुप होता क्या है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स यानी कि ग्रुप कहलाता है। और कह रहा है कि जैसे कस्टमर के लेजर को संड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है,
जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है। मैंने बताया था इसके पहले भी ना, जैसे अगर संडरी डेबिटर कब होता है, जब किसी गुड्स को सेल किया जाता है, तो कस्टमर के लिए संडरी डेबिटर का प्रयोग किया जाता है। तो संडरी डेबिटर एक प्रकार का आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। संडरी डेबिटर एक प्रकार का ग्रुप हो गया, और संडरी क्रेडिटर किसके लिए किया जाता है, परचेज के लिए। और इसके बाद से संड्री क्रेडिटर किसके लिए होता है, जो गुड्स को परचेज करता है, यानी कि अपनी सप्लायर के लिए होता है। सप्लायर के लिए संड्री क्रेडिटर ग्रुप हो जाएगा, और कस्टमर के लिए ग्रुप क्या हो जाएगा, संड्री डेबिटर हो जाएगा। वही बातें इसमें बता रहा है, कह रहा है कि ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, यानी कि सेम नेचर का अगर कोई लेजर मिला है तो उसी को कलेक्शन का आपका क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। ग्रुप आप ग्रुप आर कलेक्शन, यानी कि ग्रुप एक प्रकार का कलेक्शन है, किसका, लेजर ऑफ द सेम नेचर, यानी कि सेम नेचर का अगर कोई लेजर है तो उसी का एक प्रकार का क्या है, ग्रुप हमारा कलेक्शन होता है। जैसे कस्टमर है तो सन्ड्री डेबिटर उसका ग्रुप हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और जो है मान के चलिए कि हमारा सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा है, जैसे बैंक अकाउंट है, SBI बैंक अकाउंट है, तो उसका ग्रुप बैंक अकाउंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब एक प्रकार के ग्रुप होते हैं, और हर एक लेजर का ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी ग्रुप और जो है सब ग्रुप, इतना ग्रुप इस समय तक मतलब निर्धारण किया गया है। देखिए प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत इतना सारा ग्रुप आता है, देखिए ये सब प्राइमरी ग्रुप है। कैपिटल अकाउंट है, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, लोन लाइबिलिटीज है, सस्पेंस अकाउंट है, इसके बाद से MICSC एक्सपेंस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब एक प्रकार के आपके क्या हैं, ये प्राइमरी ग्रुप है। कौन से ग्रुप है, प्राइमरी, यानी कि ग्रुप को जो है दो भागों में बांटा गया, और दो भागों में बांटने पे एक ग्रुप आपका प्राइमरी ग्रुप आता है और दूसरा ग्रुप आपका सब ग्रुप आता है। और प्राइमरी ग्रुप में इतने ग्रुप आते हैं, कैपिटल कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा, बोलिए, अगर ये ग्रुप है तो इसका लेजर हम कैसे बनाएंगे। अकाउंट लोन लाइबिलिटीज, जैसे कैपिटल अकाउंट का मतलब, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी, यानी कि व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में लगाया गया धन हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल लगाता है। तो अगर हम प्रोप्राइटर लिखते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर एक प्रकार का बिजनेस का मालिक है, और वही बिजनेस में अपना पूरा का पूरा धन लगाया है, तो क्या हम उसको कैपिटल अकाउंट ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। अब चलिए करंट एसेट्स, करंट करंट एसेट्स में कौन कौन सा आएगा, लेजर बताइए, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, कैश आ जाएगा, और इसके बाद एसेट्स हाँ बैंक अकाउंट भी आ जाएगा, इसके बाद ऐसे बहुत सारा मिलेगा। अभी पहले केवल समझिए, आप करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज का मतलब यानी कि वह बकाया राशि जो कम समय के लिए है। मैंने सब पढ़ाया इसके पहले, सब पढ़ाया मैंने, और यही आज मैं पूछ रहा हूँ जो मैंने इसके पहले पढ़ाया। करंट लाइबिलिटीज मैंने पढ़ाते समय किसमें बताया था, करंट लाइबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मैंने बताया था, कॉपी खोलो देखो आप लोग, उसमें दिखा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लिखा था लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन आता है किसके अंतर्गत, करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है। यानी कि शॉर्ट टर्म लोन में क्या क्या रखा हुआ है देखो आप लोग, उसमें दिया होगा पूरा, शॉर्ट टर्म लोन करके दिया होगा, उसमें करंट लाइबिलिटीज आता है, लिखा है। अरे बैलेंस शीट मैंने नहीं एंट्री करना बताया था, लिखा लिखा है शॉर्ट टर्म लोन में क्या क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग दो प्रकार की लाइबिलिटीज होती है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होता है और एक करंट टाइप का। मतलब करंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि वह लोन आपके ऊपर है जिसका समय ज्यादा मात्रा में नहीं दिया गया, मात्र कुछ क्षण के लिए दिया हुआ, और जब लॉन्ग की बात आती है तो ये ऐसा लाइबिलिटीज होता है, वो हमारे व्यापार पे ऐसा लाइबिलिटीज होता है जो लंबे समय तक के लिए रखा गया होता है। तो ये मैंने दो ऑप्शन आपको पढ़ाया था, करंट लाइबिलिटीज और
लॉन्ग लाइबिलिटीज, ये दो प्रकार के लाइबिलिटीज आते हैं। और फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा बोलिए? कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा। ये कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। बोलिए करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे बात हो रहा है फिक्स एसेट्स के बारे में। और फिक्स एसेट्स होता क्या है बोलिए? वो हमारे व्यापार में लंबे समय तक क्या होते हैं? काम आते हैं। तो फिक्स एसेट्स होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद से आपका लोन लाइबिलिटी है। लोन लाइबिलिटी मतलब पता है ना, जैसे बैंक में बैंक से लिया गया लोन, ये सब एक प्रकार के लोन लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है। बैंक लोन ऐसे बनता है ना, SBI बैंक लोन, तो ये लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जिसका हमको पता नहीं रहता है कि किसमें जाएगा, उसको हम सस्पेंस में डाल देते हैं। जैसे कोई आपका ऐसा पैसा है जो आपको पता नहीं चल रहा है कि इस पैसे को हम कहाँ रखें, तो उसका आप एक अलग से लेजर बना के सस्पेंस अकाउंट में आप उसको डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट शो करेगा, बाद में आप उसको एडजस्टमेंट करके आप बराबर कर सकते हो। ऐसे बहुत प्रकार का आता है, जैसे एक्सपेंस से संबंधित है, खर्च से संबंधित है। सेल्स अकाउंट किसका ग्रुप है? सेल्स लोकल बनाते हैं और सेल्स इंटरस्टेट बनाते हैं। तो सेल्स लोकल और सेल्स इंटरस्टेट में क्या अंतर है? सेल्स लोकल बोलिए, सेल्स लोकल की बात हो रही है ना, तो सेल्स लोकल का मतलब अपने स्टेट के अंदर अगर सेल किया जा रहा है तो उसको हम सेल्स लोकल बोल सकते हैं। तो अगर सेल्स लोकल का भी लेजर मैंने बनाया तो अंडर में सेल्स अकाउंट ही बनाना होता है, और सेल्स इंटर स्टेट बनाएंगे तो भी सेल्स अकाउंट ही बनाना होता है। और परचेज अकाउंट किसका ग्रुप है? परचेज का ग्रुप है, ठीक है। डायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इनकम एक एक्सपेंस है, बोलो यार कुछ। इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है, तो या तो आप डायरेक्ट में रखिए चाहे इनडायरेक्ट में रखिए, लेकिन इनकम है तो इनकम में जाना चाहिए उसको। और फिर लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउ, एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। या पैकिंग चार्ज, ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। अगर चार्ज सब जुड़ा हुआ है तो आप ये समझिए कि एक प्रकार का क्या है हमारा एक्सपेंस है। या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, या ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये सब एक प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अब सब ग्रुप में कितने ग्रुप आते हैं? 13 ग्रुप आते हैं। ये तो मैंने अभी आपको केवल प्राइमरी ग्रुप के बारे में पढ़ाया, अब इतने सारे आते हैं किसके अंतर्गत? सब ग्रुप के अंतर्गत। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, SBI बैंक अकाउंट अंडर में क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा। कैश इन हैंड किसके अंतर्गत आएगा? कैश के अंतर्गत आएगा, कैश इन हैंड हो जाएगा। और पेटी कैश मैंने बताया था, पेटी कैश याद है? पेटी कैश के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मैंने कोई बिजनेस किया है तो उसमें से कुछ पैसे जो है हम खर्च के तौर पे इकट्ठा करके रख लेते हैं, उसको हम पेटी कैश बोलते हैं। तो अगर पेटी कैश का भी लेजर बनाते हैं तो कैश इन हैंड ही आएगा। और डिपॉजिट एसेट्स का मतलब जमा राशि है, ठीक है। स्टॉक इन हैंड, ये सब अभी आपको मिलेगा। सन्ड्री डेबिटर, ये किसका हो जाएगा? सन्ड्री डेबिटर सेल्स, सेल्स का हो जाएगा। अगर किसी कस्टमर का लेजर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सन्ड्री डेबिटर रखना होगा। जैसे मान के चले कि मैंने भर दिया HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो कस्टमर है तो उसको हम सन्ड्री डेबिटर में रख दें। समझ में आ रहा है ना? अगर वो सप्लायर होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर में रख दें। फिर लिखा हुआ है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, CGST किस प्रकार का है? लेजर है ना CGST, तो CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, एक प्रकार का टैक्स है, इसको ग्रुप में बनाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। SGST ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। ये सब एक प्रकार के लेजर होते हैं। अब सन्ड्री क्रेडिट प्रोविजन की बात हो रही है। प्रोविजन का मतलब होता है मूल्य, इसमें प्रोविजन का मतलब क्या होता है? अरे मूल्यह्रास वगैरह होता है, प्रोविजन नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे प्रोडक्टों पे प्रोविजन मिलता है, खरीदा कुछ और में और बेचा कुछ और में, या तो कम भी पैसे मिल सकता है, ज्यादा भी पैसे मिल सकता है, तो ये प्रोविजन होता है। तो प्रोविजन भी एक प्रकार का हमारा क्या है? सब ग्रुप है। प्लस सन्ड्री क्रेडिटर किसका ग्रुप होगा? सप्लायर का ग्रुप होगा। जैसे राम ट्रेडर्स, अगर वो सप्लायर है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा,
अगर वो कस्टमर है तो सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा, तो अगर परचेज कर रहा है यानी हमारे बिजनेस का सप्लायर है तो सप्लायर के लिए सन्ड्री क्रेडिटर होता है और कस्टमर के लिए सन्ड्री डेबिटर होता है। फिर लिखा हुआ है बैंक ओडी आर बैंक ओसीसी अकाउंट। बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, या बैंक ओसीसी का मतलब, जैसे दो प्रकार से हमारे बैंक में खाते खुलते हैं, एक मान के चलिए कि करेंट अकाउंट भी हम खुलवाते हैं और एक सेविंग अकाउंट। कई प्रकार के अकाउंट होते हैं ना, जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया आपका, सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया। तो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे मान के चलिए कि आपने अगर बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है और बैंक के अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप अगर बैंक का लेजर बनाते हैं तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपको दिखाना होता है। एक बैंक ओसीसी अकाउंट भी आता है। और सिक्योर लोन क्या आता है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, ये सब आपको बनेगा। आप ये समझिए कि इतने सारे आपके 13 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, और ग्रुप की संख्या कितना होता है, 15 होता है। ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है जिसमें 15 आपका ग्रुप होता है और 13 आपका सब ग्रुप होता है। अब चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कैपिटल अकाउंट अगर ग्रुप है तो कैसे ग्रुप है, इसके बारे में आप समझिए और पढ़िए। अगर करंट एसेट्स ग्रुप है तो कैसे ग्रुप है, इसके बारे में पढ़िए और समझिए। अगर बैंक अकाउंट ग्रुप है तो कैसे है, तो इसके बारे में आप समझिए। सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए कैश इन हैंड अगर ग्रुप है तो कैसे है, तो इसके बारे में पढ़िए। डिपॉजिट भी एक प्रकार का ग्रुप है तो कैसे है, तो इसके बारे में आप समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रेंटल डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी से भाड़े पे अगर हम रूम लेते हैं दुकान करने के लिए, तो उसको भी सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, तो वही डिपॉजिट की एक प्रकार की ग्रुप हो जाती है। अरे क्या जमा करते हैं, क्या डिपॉजिट करते हैं, कैसी, तो कैश एक प्रकार का एसेट्स हो गया और डिपॉजिट मतलब हम जमा कर रहे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, देखिए एक एक ऑप्शन के बारे में लिखा हुआ है। अब ये सब आपको पढ़ना होगा। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, सन्ड्री क्रेडिटर है, क्या है? बता रहा है सन्ड्री, इट होल्ड द अकाउंट ऑफ द ट्रेड कंडीशनर ऑफ कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी का क्रेडिटर है तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर बोलेंगे, अगर डेबिटर होगा तो सन्ड्री डेबिटर बोलेंगे। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कुछ ग्रुप के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आप कंपनी पे आ जाइएगा, यहाँ से सबसे पहले अपनी कंपनी आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सबसे पहले चले आइएगा क्रिएट पे, और क्या क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप आपको क्रिएट करना है, और वो कौन कौन सा ग्रुप है, तो देखिए अगर डायरेक्टली ग्रुप आप क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली पहले लेजर पे आ जाइए। कहाँ पे आना है, लेजर पे। देखिए बैक आते हैं, एक बार ध्यान से समझिए, सबसे पहले कंपनी खोलेंगे तो ऐसे इंटरफेस दिखेगा ना, इसके बाद से आपको क्रिएट पे आना है, और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको अकाउंटिंग मास्टर में लेजर मिलेगा, इसी लेजर को आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल बना के बताया भी है, क्या लिखा है, प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट लिखा है, अंडर में क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहीं से लेजर बनना स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट, अंडर में कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैसे बनाएंगे तो इसको देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ से। अब अंडर पूछ रहा है क्या ले लेंगे, क्या लेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये ग्रुप अमंग को बनाना नहीं होता, ये ग्रुप ऑलरेडी पहले से बना होता है, ये ग्रुप ऑलरेडी पहले से बना होता है, बस शर्ते आपको ये समझना है कि जो मैंने लेजर बनाया है उसको हम किस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। अगर हमारे बिजनेस का सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा कि डेबिटर होगा, बोलिए। अगर हमारे बिजनेस का सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा कि डेबिटर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। अगर हमारे बिजनेस का क्या है, कस्टमर है, तो सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। बस करना क्या है, देखिए प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट मैंने लिख दिया ना, अब एंटर करके अब इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। एक लेजर हमारे पास बन गया। अब दूसरा लेजर आपको किसका बनाना है, तो दूसरा लेजर जैसे मान के चलिए एक सप्लायर हमारे पास है कंप्यूटर एम्पायर के नाम से,
कंप्यूटर एम्पायर। ये हमारे बिजनेस के क्या है? सप्लायर है। इनसे हम किसी गुड्स को हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। अब बताइए, अगर कंप्यूटर एम्पायर सप्लायर है तो अंडर में क्या लिखे हम? बोलिए, यहाँ पे हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बुक नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी मैंने स्पष्ट बताया है कि हर पार्टियों का अलग अलग हमको लेजर बनाना होता है, और पूरा मैंने ग्रुप भी बताया कि कौन से मास्टर किसके ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। ये पहले आपको ध्यान देना होगा। लो, सोए थे क्लास में। देखो, कंपनी जब खोलोगे तो यहाँ पे कंपनी खोलना तो आता होगा सबको ना। कंपनी खोलोगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिखाएगा ना। अब कंपनी का नाम जब दिखाएगा तो हमको लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट पे आ जाएंगे यहाँ, और यहीं पे आने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या क्रिएट करना है? लेजर। तो बस यहाँ से डाउन एरो दबा करके लेजर पे आ जाएंगे। हाँ, तो क्या हुआ आपसे? अभी मैंने स्टार्टिंग से बताया। अब यहाँ पे हमको लिखना है कंप्यूटर केयर। और एक चीज क्लियर करिएगा आप लोग, एक लेजर को हम दो बार नहीं बना सकते। एक लेजर को हम दो बार नहीं बना सकते। जैसे अभी मैंने प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, देखिए एक बार और हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सेम सेम वर्ड मनी आप लिखिएगा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अभी देखिए क्या बताया, क्या बता रहा है? नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम। मतलब इस नाम से आपका लेजर बन चुका है, आपको डिफरेंट नेम डालने की आवश्यकता है, तब जाके एक्सेप्ट करे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कंप्यूटर एम्पायर। अक्सर ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि हम लेजर बना देते हैं, वो लेजर हमारा, हमको ध्यान नहीं आता है कि वो लेजर बना है कि नहीं बना है, और हम दोबारा उसको बनाने का प्रयास करते हैं, तो यही ऑप्शन लेकर के आता है। अब एंटर करेंगे, कंप्यूटर एम्पायर हमारे बिजनेस का सप्लायर है, तो क्या रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। देखिए, भरना नहीं है, बस यहाँ पे केवल थोड़ा सा वर्ड लिखेंगे, पूरा आ जाएगा। देखिए, आप एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस भरेंगे ना अपने सप्लायर का, तो यहाँ पे मैंने भर दिया नियर कठपुइया रोड पडरौना। अब फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ से चूंकि उत्तर प्रदेश में ही रहने वाला है, इंडिया कंट्री का है, पिन कोड क्या है? 2743-04। फिर एंटर करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से पैन नंबर है तो भर देंगे, नहीं तो यहाँ छोड़ देंगे, और ये रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर ले लेंगे, ठीक है? अगर कंपोजिशन का है तो कंपोजिशन में, रेगुलर होगा होगा तो रेगुलर में, और एंटर करेंगे। इनका जीएसटी नंबर पूछा जाएगा, तो मान के चलिए कि सारे पार्टियों का जीएसटी नंबर अलग अलग होगा ना, तो अगर जीएसटी नंबर मिलता है तो यहाँ हम उनको क्या करेंगे, जीएसटी नंबर भी यहाँ पे टाइप करेंगे। सही है? और यहाँ से एंटर कर देंगे। अगर उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया है बुक में तो ओपनिंग बैलेंस भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए, अभी कै को लेजर मैंने बनाया, दो। एक और बना देते हैं, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये रहने वाला है देलही का। कहाँ का रहने वाला है? देलही का। और हमारा ये कस्टमर है, तो कस्टमर है तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा कि डेबिटर होगा? बोलिए, सन्ड्री डेबिटर यहाँ पे भर देंगे। देखो, पूरा लिखना नहीं है, बस केवल सन्ड्री लिखेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ से सन्ड्री डेबिटर सिलेक्शन कर लीजिए, और यहाँ से एंटर करके आइए। इसका एड्रेस पूछा जाएगा, तो मैंने यहाँ पे भर दिया नेहरू प्लस देलही। समझ में आ रहा है ना? फिर एंटर किया मैंने। अब चूंकि देलही एक प्रकार का स्टेट है ना, देलही स्टेट है ना कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देलही। इसका पिन कोड नहीं पता है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जीएसटी नंबर जरूर आपके बुक में दिया होगा, उसको भरना होता है, और यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। कितना लेजर बना? तीन। कैसे देखेंगे और कैसे डिलीट करेंगे? मान के चलिए कोई लेजर डिलीट हो गया, उसको हम कैसे जांच करेंगे सही है कि गलत है, और कैसे डिलीट करेंगे, तो इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले एस्केप बटन दबा करके बैक आइए। हाँ, इसमें माउस नहीं छूना होता, ये ध्यान रखिएगा। एस्केप बटन दबा के बैक आइएगा, और अगर आपको लेजर को एडिट करना हो, अल्ट्रेशन करना हो,
या आइटम को अल्टर करना हो या ग्रुप को अल्टर करना हो, तो इसके लिए हम अल्टर वाले ऑप्शन पे ही आते हैं और एंटर बटन प्रेस करना होता है। आप किसको अल्टर करना है, लेजर पे क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए बताया जा रहा है कि चार लेजर आपका, पांच लेजर आपका बना हुआ, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और प्लस कैश का आपको नहीं बनाना होता, ये ऑलरेडी इसमें पहले से बना होता है। ये दो चीज क्लियर करिएगा, कभी भी लेजर आप बनाइएगा तो कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर आपको नहीं बनाना होता है, ये ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में बना रहता है। किसी भी कंप्यूटर पे आप अपनी टैली करिए, मतलब उससे नहीं है, कहीं पर भी कंपनी बनाएंगे तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस बना बनाया आपको मिलता है। तो मैंने कै को बनाया है, तीन बनाया है ना, तो तीनों यहाँ पे शो हो रहा है ना। आप जैसे मान के चलिए कि कंप्यूटर एम्पायर वाला आपको डिलीट करना, ये गलत बन गया, तो आप इसको सबसे पहले एंटर बटन दबा के ओपन करिए और अल्ट प्लस डी बटन दबाइए और यस करके एंटर कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। अब कै को दिखा रहा है, चार को दिखा रहा है। फिर आप चले आइए यहाँ पे प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट पे और अल्ट के साथ डी बटन दबा करके डिलीट कर दीजिए, इसको ओपन करिए, अल्ट प्लस डी डिलीट कर दीजिए, इसको ओपन करिए, अल्ट प्लस डी यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसको भी ओपन करिए, अल्ट डी दबाइए, डिलीट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि ये कई बार में हम पूरा डिलीट कर पाए, ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस डिलीट नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से बना हुआ है, कैश डिलीट हो गया है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिलीट नहीं हो रहा। बोलिए कोई दिक्कत है? अब चलिए देखते हैं इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। देखिए इसी के बारे में पूरा बताया हुआ है, लेजर क्रिएशन कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप को सिलेक्शन करना होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ग्रुप यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है, इस ग्रुप को हमको बनाना नहीं होता है, ये ग्रुप ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर में बना बनाया होता है, और जो ग्रुप नहीं मिलेगा उसको हम अल्ट सी करके क्या कर लेंगे, बना लेंगे। और कह रहा है कि लेजर अकाउंट हेड होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करिए उसमें जरूरी है कि पहले आप उसमें लेजर बनाइए, समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए हम यहाँ पे बैंक आ जाते हैं, जैसे एक एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि हमको परचेज वाउचर की एंट्री करना, तो कहाँ पे जाएंगे, वाउचर पे जाएंगे ना, तभी तो वाउचर की एंट्री हम कर पाएंगे। अब चूंकि परचेज की बात हो रही है और परचेज खुलता है F9 बटन से, तो देखिए F9 मैंने दबाया तो यहाँ पे पहला पूछा जा रहा सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भर दिया, फिर मैंने एंटर किया। अब देखिए पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, मतलब इसमें अभी ये कभी लेजर आपका शो करके नहीं दिखा रहा है, पर आप क्रिएट करिए। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो अल्ट प्लस सी से क्रिएट करेंगे, या यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो अल्ट सी से हम क्या कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उधर कहाँ देख रहे हो, उधर ये पढ़ाई हो रही है। अब चलिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है लेजर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा है कि लेजर एक प्रकार का महत्वपूर्ण क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, और कह रहा है कि लेजर क्रिएशन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है और लेजर क्रिएट करते समय हमको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ये सब एक प्रकार के चार्ट ऑफ अकाउंट के ग्रुप है। देखिए मैं बैक आता हूँ और यहाँ से आ जाते हैं लेजर क्रिएट पे और यहाँ से आ जाते हैं लेजर। देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ग्रुप, देखिए कह रहा है एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, कह रहा है कि एग्जाम्पल 1/4/2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल आर्स 10,12,000 एंड लैंड बिल्डिंग 4,50,000 सॉल्यूशन। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को सूर्या ट्रेडिंग हैविंग कैपिटल, मतलब ये ज्यादा मात्रा में कैपिटल लगाते हैं, और लैंड एंड बिल्डिंग पे 4,50,000 ये लगाते हैं, तो इसकी कैसे सोल्यूशन बनाएंगे। तो कह रहा है कि पहले तो हम क्रिएट करेंगे किसका, कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि कैपिटल अकाउंट किस लिए बन रहा है, क्योंकि ये कैपिटल लगाया जा रहा है, अपने बिजनेस में पूंजी लगाया जा रहा है, इसलिए जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो अंडर में क्या रखेंगे,
सबसे पहले तो बनेगा किसका, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और अंडर में रख देंगे कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट हमको भरना होगा 10,12,000 रुपये। और फिर कह रहा है कि कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कितना लिखा हुआ है, 10,12,000। चलिए एक बता देते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां से हम बैक आते हैं और यहां पे हम बनाएंगे क्या, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब अंडर में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्यों कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का ये प्रोप्राइटर है, मालिक है, और एंटर करेंगे पूंजी इसी के द्वारा लगाया जा रहा है। इसका एड्रेस है तो भर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और यहाँ पे अमाउंट आकर के भरेंगे 10,12,000 है ना, एंटर करेंगे बस। मैंने बताया था कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना। देखो आप लोग इसका बैलेंस किस में उठाया है, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अल्टर पे आइए और लेजर पे आइए, और इसमें प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट बैलेंस किस में उठाया है, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में। इसलिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ये ट्रांजेक्शन में भी मैंने आपको बताया। तो बन जाएगा ऐसे, ऐसे पहले ट्राई करिए आप लोग। और फिर कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग बनाएंगे, खड़े जाओ सबसे पीछे। लैंड एंड बिल्डिंग का कैसे हम बनाएंगे बताओ, बैक जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाना है, कैसे बनाएंगे, हाँ उसके बगल में खड़े हो जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाना है, कैसे बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाना है, कैसे बनाएंगे, उसके बगल में प्रदीप, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनाना है, कैसे बनाएंगे, हाँ क्रिएट करेंगे, कहाँ पे आएंगे लेजर, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ अंडर में क्या होगा, एंटर करेंगे ना, तो अंडर में क्या आएगा, इसका ग्रुप क्या होगा, उसके बगल में इसका ग्रुप क्या होगा, बोलो, हाँ उदय शंकर। अंडर में क्या होगा, फिक्स एसेट्स। क्यों फिक्स होगा, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग मतलब फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म में यूज होता है। हाँ बस यही समझना, लॉन्ग टर्म में यूज होती है। और लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब होता है, लैंड का मतलब जमीन और बिल्डिंग का मतलब भवन, वो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम में आते हैं, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आता है। क्लास में सो रहे हो, हाँ फिर दिमागवा क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, फिक्स एसेट्स, और इसका बैलेंस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ना, कितना बैलेंस दिया है, बैलेंस कितना दिया है, 40,000 बैलेंस दिया है, 4,50,000 दिया है। यहाँ पे बस बैलेंस भर देना है, 4,50,000। अब ये बताइए, खड़े हो जाओ अंशिका, ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये बैलेंस हमारा डेबिट मोड में आएगा कि क्रेडिट मोड में आएगा, उदय शंकर बैठ जाइए, अंजलि ये बैलेंस हमारा डेबिट मोड में आएगा कि क्रेडिट मोड में आएगा, क्रेडिट, तुम बताओ मिस्टर क्यों डेबिट आएगा, कैसे डेबिट होगा बताओ, एग्जांपल, क्रेडिट हम नहीं कर सकते हैं, तुम बताओ नंदिनी कैसे, हाँ बस यही समझना, जब फिक्स एसेट्स की बात आ गई, इतना समझ लो, जब फिक्स एसेट्स की बात आ गई तो हमारे बिजनेस में डेबिट हो जाएगा। मैंने कितने बार पढ़ाया, लेकिन आप लोग तो पढ़ोगे नहीं, आप लोग, ये हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स हमारा बिजनेस का क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में वो लंबे समय तक काम में आता है। बैठ जाइए, ऐसे ही बनाएंगे आप लोग लाइव में चल के, बनाइए, कई सारा ऐसा बना लो आप लोग देख करके, वैसे बुक में बहुत सारा मिला होगा। और बनाने के बाद आप लोग एक काम ये करना, बनाने के बाद जब पूरा बन जाएगा, फिर अल्टर पे आकर के और यहाँ से लेजर पे आकर के सब एक एक करके आप लोग डिलीट करते जाना, अल्ट प्लस डी से, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे बना करके बता दिया किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का, इसको हमको डिलीट करना है, तो अल्ट डी से इसको डिलीट कर दीजिए, गायब हो जाएगा यहाँ से।
फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ इसका बना लिया प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट का, इसको ओपन कर लो और अल्ट के साथ डी बटन दबा करके डिलीट करते जाओ आप लोग, क्योंकि ये रहना नहीं चाहिए, रहेगा तो आपका बैलेंस इधर उधर होगा, इसलिए बना करके बस चेक करिए और उसको अल्टर पे जाकर के उसको डिलीट कर दीजिए, हो जाएगा। इतना आप लोग लाइव में करिए, शेष आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।